हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं रिंकी कुमारी, बात करने जा रही हूं मैथमेटिक्स पे। और आज हमारा टॉपिक क्या है, तो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग मॉक टेस्ट 3 के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोग का लेक्चर 5 तक हो चुका है, जिसमें 3 क्लास आप लोग का थ्योरी का था और 2 मॉक टेस्ट ले चुके हैं ऑलरेडी, एंड आज तीसरा मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी थ्योरी थे या जितना भी न्यू कॉन्सेप्ट था, आप लोग का क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि मॉक टेस्ट 3 में किस टाइप का क्वेश्चन लिए हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग का जितना भी कॉन्सेप्ट था, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रूट्स कैसे निकालेंगे, मीन्स 2 मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन एंड फॉर्मूला बेस्ड। यही 2 मेथड आप लोग को आगे काम आने वाले हैं। उसके बाद था नेचर ऑफ रूट्स, मीन्स कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ग्रेटर होगा, इक्वल होगा, लेस होगा, तब क्या होगा। उसके बाद का टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम होगा तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, और जब अल्फा बीटा का वैल्यू पता होगा तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, उसके अलावा था रिलेशन बिटवीन रूट्स, मतलब 2 रूट के बीच में अगर रिलेशन दिया हुआ है तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा। और लास्टली एक था कि मीन वैल्यू और मैक्स वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे निकालेंगे। इतना सारा कंसेप्ट था, जो कि सारा कंसेप्ट हम बता चुके हैं, और साथ में 2 मॉक टेस्ट भी लिए हैं, जिसमें जितना भी आप लोग का डाउट हो सकता है उसमें क्लियर करा चुके हैं। और लास्टली आज मॉक टेस्ट नंबर 3 है, जिसमें लेक्चर नंबर 5 में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे आप लोग का, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मीन एंड मैक्स टर्म में कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए आज का जो मॉक टेस्ट है उसमें उसी टाइप का क्वेश्चन लिए है। तो आप लोग डाउट अपना क्लियर कर लेना कि मीन वैल्यू एंड मैक्स वैल्यू पे क्वेश्चन किस तरीके का आता है और आया अभी तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको गिव है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 20x + 3 = 0, तो पूछ रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका सम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी रूट का। तो सबसे पहले इक्वेशन देख लो, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 20x + 3 = 0, ये क्वाड्रेटिक है। आप लोग याद रखना 2 चीज, देखो 2 मेथड बता रहे हैं, हर क्वेश्चन का 2 मेथड बताएंगे। ठीक है, आप लोग इजी मेथड हमेशा ट्राई करना। ठीक है, सबसे पहला मेथड है कि आप लोग को कल की क्लास में बताए थे कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और प्लस ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। यही चीज ना पढ़ाए थे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सम ऑफ रूट। तो बता सकते हैं सम, आप देखो कंपेयर करो या एक स्टेप और चलो, सम ऑफ रूट में हम लोग क्या लेते थे, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जनरली हम लोग अल्फा बीटा लेते थे, यानी इस इक्वेशन का अगर मान के चलते हैं तो रूट है अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ रूट की जगह हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह होगा अल्फा इंटू बीटा = 0। तो देखो, तो अब आप इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कंपेयर करो तो क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा के जगह आपका क्या है 20 है, और माइनस लगा दो अल्फा प्लस बीटा की जगह आपका क्या हो गया, वो हो गया -20, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या हो गया, तो वो हो गया आपका 3। एक मेथड ये था निकालने का। अगर आपको ये फॉर्मूला मीन्स ये फॉर्मूला अगर पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0 है, तब आप कंपेयर करके वहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इस इक्वेशन, आपका जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 20x + 3 = 0, तो क्या बताए थे, सबसे फर्स्ट क्लास में बताए थे कि a क्या होता है, तो कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर मीन्स 1, b कोफिशियंट ऑफ x मीन्स 20 और c = 3, और क्या बताए थे कि सम ऑफ रूट क्या होता है, तो वो होता है -b / a। ठीक
ठीक है, और माइनस बी, तो माइनस ये हो जाएगा और बी की जगह क्या है 20, और डिवाइडेड बाय 1 यानी सम ऑफ रूट कितना आया तो माइनस 20, और प्रोडक्ट ऑफ रूट बताए थे सी अपॉन ए, सी की जगह है 3 और ए की जगह 1 मीन्स 3। देखो ये दो तरीका है आप लोग को सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने का, ठीक है। जो मेथड आप लोग को इजी लगे वो मेथड आप लोग लगाना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर ई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ए इज इक्वल टू 0 इज थ्राइस द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इक्वेशन पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ए इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन है, और रिलेशन बोल रहा है कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज थ्राइस द अदर। क्या बताए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा होता है, तो मान लो अल्फा बीटा दो रूट है तो हम लोग एक ही टर्म में रिलेशन मान लेते हैं कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज थ्राइस द अदर, मीन्स अगर एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा थ्राइस है यानी 3 अल्फा, यही दो रूट हुआ ना आपका। हम लोग जनरली क्या बोलते थे कि अल्फा और बीटा दो रूट है, तो एक रूट अगर अल्फा है तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा रूट क्या है 3, पहला रूट जो है थ्राइस अदर यानी ये 3 अल्फा हुआ, ठीक है। तो मान लो कि एक रूट आपका अल्फा है और दूसरा 3 अल्फा है, ठीक है। तो अब देखो हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो अगर अल्फा प्लस 3 अल्फा यानी सम ऑफ रूट करते हैं तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा आपका 12 और ए की जगह 1 यानी अल्फा प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 12, 4 अल्फा इज इक्वल टू 12, तो अल्फा इज इक्वल टू 3, अल्फा का वैल्यू आपको 3 पता चल गया। अब देखो अल्फा इंटू 3 अल्फा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर क्या होता है सी अपॉन ए, और सी की जगह ए है और ए की जगह क्या हो गया 1 यानी ए, तो अल्फा इंटू 3 अल्फा यानी 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और यही ए का वैल्यू आप लोग को निकालना है। तो ए का वैल्यू क्या हो गया 3 इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा की जगह 3 है मीन्स 3 का स्क्वायर यानी ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 27 मीन्स ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना इजीली बन रहा है, सिर्फ अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा अगर पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो आप लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एक्स इज रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इज। देखो याद रखना ये एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है नॉट इक्वेशन, बताए थे ना अगर इज इक्वल टू यानी इक्वल टू साइन का यूज अगर हो जाता है मीन्स वो इक्वेशन है, और नहीं होता है मीन्स एक्सप्रेशन है। तो आप लोग एक्सप्रेशन को लिखो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ये आपका एक्सप्रेशन गिवन है, बोल रहा है कि एक्स रियल है, तो आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। क्या बताए थे कल के क्लास में, बताए थे ना मीन वैल्यू एंड मैक्स वैल्यू। देखो दो केस बताए थे कि a इज ग्रेटर देन 0 और दूसरा केस था कि a इज लेस देन 0, और a क्या होता था, तो a होता था आपका कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, मीन्स कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर यानी ये वैल्यू अगर a ग्रेटर देन 0 है मीन्स पॉजिटिव है तो आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। तो चलो इस केस को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ 4 है, 4 क्या है ग्रेटर देन 0 है मीन्स a जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा मीन वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। तो माइनस डी, डी बराबर क्या बोले थे बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 4a, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप लोग बताओ कि a बराबर क्या है, तो 4, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 9, तो आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो माइनस b के जगह हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 4a के जगह 4 और c के जगह 9 अपॉन 4a यानी 4 इंटू a के जगह 4 यानी 16। जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 16 माइनस 4 चौके 16 नमा 144 और डिवाइडेड बाय 16,
ये चीज हुआ ना, जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 16 मीन 16/8 128, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखो यही चीज कल के क्लास में बताया थे कि वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो याद रखना, हमको बी और सी से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ ए से मतलब है। ए बड़ा है या छोटा है उस वैल्यू पे आपका केस डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ए को देखिए, ए बड़ा दिख रहा है, अगर ए इज ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -d/4a, और वहां से आप लोग वैल्यू निकाल लिया, तो वैल्यू क्या होगी आपका 8, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज -20, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में सम ऑफ रूट गिवन है 1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये भी गिवन है, वो है -20। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, तो क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। यही चीज बताए थे ना आप लोग को, ये फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में ही बताए थे। तो आप लोग फाइंड ये कर सकते हो, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट के जगह 1 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट के जगह क्या है -20 इज इक्वल टू 0। अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -20 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ, यानी ऑप्शन नंबर आप चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, यानी ऑप्शन नंबर 1। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितना भी कंसेप्ट आप लोगों को बताई हूँ ना, एकदम अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि इस कंसेप्ट के अलावा है ना आप लोगों को एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आने वाला है नहीं, और जितना भी क्वेश्चन बता रही हूँ सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, कैसे बना रही हूँ उस चीज को भी देख लेना, और शॉर्टकट बनाने की कोशिश करना, स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है जितना मैं ले रही हूँ, एक स्टेप आप लोग को बता रही हूँ ताकि आप लोग समझो कि कब प्लस ले रही हूँ, कहाँ माइनस ले रही हूँ, कैसे सम ले रही हूँ, ये सब आप लोग देखो। लेकिन हाँ, आप लोग मत एग्जाम में इतना करना शुरू कर देना, आप लोग जितना कम स्टेप हो उतना लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैव रियल एंड इक्वल रूट। इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k इज इक्वल टू 0, तो पूछ रहा है कि k का ऐसा कौन सा वैल्यू ले जिसमें मेरा जो इक्वेशन है उसका रूट रियल और इक्वल हो जाएगा। तो बताए थे फॉर रियल एंड इक्वल रूट कब होगा, कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट में याद रखना, जब d इज इक्वल टू 0 होगा तो रूट का नेचर क्या होगा, रियल एंड इक्वल। तो d इज इक्वल टू 0 कर दो तो d मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कर दो, b की जगह है माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c की जगह k है इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू कितना हो गया 144 और k इज इक्वल टू हो गया 36। देखो कितना सिंपली बन रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप लोग नेचर ऑफ रूट्स अच्छे से पढ़ लेना कि d ग्रेटर देन 0 होगा, d इक्वल टू 0 होगा और d लेस देन 0 होगा, तो मेरा केस किस तरीके से बनेगा, क्योंकि उस टर्म का यूज हमेशा आपको k, a, p जो भी टर्म देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो फाइंड करना रहेगा, तभी आपको इस तरीके से क्वेश्चन देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12, फाइंड द नंबर। बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर लो जिसमें उस नंबर और उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट का डिफरेंस 12 आना चाहिए। तो लेट नंबर मान लेते हैं एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x
माइनस स्क्वायर रूट बोला, यानी रूट एक्स इज इक्वल टू 12 आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू रूट एक्स लिख सकते हैं ना, इसी इक्वेशन को हम लोग चेंज करके इस तरीके से लिख लिए। अब स्क्वायर दोनों तरफ कर दो, तो स्क्वायर अगर दोनों तरफ कर देते हैं मीन्स इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो निकालो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 144 इज इक्वल टू एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स को इस तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से x निकाल लो, तो x का वैल्यू निकालोगे तो माइनस बी यानी 25 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी 625 माइनस 4ac यानी 4 इंटू ए के जगह 1 और c के जगह 144 है, और डिवाइड करोगे कितना से, 2a के जगह 1 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा x इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस रूट ओवर 625 और माइनस 14 चार चौके 16 14 चौक 56 57 यानी 576 ये वैल्यू आएगा, और डिवाइडेड बाय 2, 625 में से 576 चला गया तो कितना हो गया 25 और 24 49 यानी 7, रूट के बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा 7 और डिवाइडेड बाय 2, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, 25 प्लस 7 यानी 25 और 7 32 बटा 2 यानी 16, और दूसरा अगर वैल्यू लेते हैं तो 25 में से 7 गया कितना हुआ 18 बटा 2 9 यानी दो वैल्यू निकला, 16 निकला और 9 निकला। आप बताओ कि आपका आंसर, देखो ऑप्शन नंबर्स, ऑप्शन में 16 भी दिया हुआ है, ऑप्शन में 9 भी दिया हुआ है, तो अब बताओ कि आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक करोगे। बहुत कोई होगा कि जहां पे कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग याद रखना क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12। अगर हम लोग नंबर 9 लेते हैं तो इसका स्क्वायर कितना, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और डिफरेंस कितना हो जाएगा 6, मीन्स ये गलत है। दूसरा नंबर लेते हैं, अगर 16 लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 4 और 16 माइनस 4 आता है 12, यानी ये चीज, ये टर्म सही है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 16, मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग तो समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ। चलो ये तो था मेरा लॉन्ग प्रोसेस जो आप लोग को नहीं करना है, इस तरीके का बिल्कुल भी कोशिश मत करना बनाने का, ठीक है। बनाओगे टाइम लेप्स होगा, कहीं भी अगर मिस यूज हुआ या मिस्टेक हुआ तो आप लोग को पूरा का पूरा टाइम लेप्स होगा, ऊपर से ऑप्शन भी गलत। तो आप लोग देखो क्या करना है, आप लोग को एग्जाम में वो देखो बोल क्या रहा है कि डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12। ऐसा नंबर लेना है, एक नंबर लो और उसका रूट निकालो, अगर दोनों का डिफरेंस 12 हो जाएगा मीन्स नंबर में ना वही आएगा, तो ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन देखो चेक करने का किस तरीके से चेक करना, अगर ऑप्शन 9 लेते हैं तो नंबर मीन्स क्या है, नंबर 9 है, बोल रहा है स्क्वायर रूट, यानी 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, और डिफरेंस करेंगे 9 में से 3 गया 6 लेकिन आना चाहिए 12, मीन्स ये मेरा गलत है। दूसरा 15, देखते ही पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या 15 किसी का 15 का स्क्वायर रूट कोई वैल्यू होगा, नहीं ना, मीन्स ऑप्शन गलत है। 12 का स्क्वायर रूट कोई वैल्यू होगा, नहीं होगा, गलत। 16 नंबर 16 है उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी 4 इज इक्वल टू 12, क्या 12 स्क्वायर रूट, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में कोशिश करना आप लोग जितना शॉर्टकट बना सको, और जनरली बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से दिए जाते हैं कि आप लोग ऑप्शन के थ्रू आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन तीनों मॉक टेस्ट में बता रही हूँ, या पिछले जितने लेक्चर हो हुए हैं सब में बता रही हूँ कि जनरली कोई क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताए हूँ जिसमें ऑप्शन के थ्रू आप लोग आंसर दे सकते हो। ये लॉन्ग प्रोसेस पे कभी मत जाना, ठीक है। कितना इजिली बन गया, यानी यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइड 25 इन टू पार्ट सो दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/6। बोल रहा है कि 25 को इस तरीके से आप लोग दो भाग में तोड़ो कि दोनों पार्ट का जब जो हम लोग रेसिप्रोकल मीन्स दो वैल्यू जो भी आएगा
मीन्स अगर एक एक्स आता है और दूसरा लेते हैं 25 - x, तो दोनों के रेसिप्रोकल को जब हम लोग सम करते हैं तो 1/6 आना चाहिए। मान लेते हैं कि वैल्यू एक्स है, अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 25 - x। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है, दोनों का रेसिप्रोकल यानी 1/x प्लस 25 - x, तो कितना वैल्यू आना चाहिए, 1/6 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यही ना बोल रहा है कि 25 को पहले दो भाग में तोड़ो और तोड़ने के बाद दोनों का सम रेसिप्रोकल का सम करो तो 1/6 आना चाहिए। तो अब आप लोग यहाँ से एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। देखो अगर यहाँ एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो गया, एक्स इंटू 25 - x, एक्स यानी यहाँ पे हो गया 25 - x और ये हो जाएगा प्लस एक्स डिवाइड इज इक्वल टू 1/6। ये एक्स एक्स कट गया, अब मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 25 - x इज इक्वल टू 25 × 150। ठीक है, ये वैल्यू आया, मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया, -x² + 25x, और इसको इधर ले आते हैं तो -150 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो तो वैल्यू हो गया x² - 25x और +150 इज इक्वल टू 0। या तो आप लोग x फॉर्मूला के मेथड से निकालो या फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इजी है तो फैक्टर मेथड ही निकाल देते हैं। 150 को इस तरीके से दोरो ताकि गुना करने पे 150 और उसको जोड़ने या घटाने पे -25 आ जाए, तो क्या हम लोग 15 और 10 नहीं ले सकते हैं, 15 × 150 और 15 × 10 = 25, यानी 15x हो गया और -3x हो गया प्लस 150 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक टर्म लेते हैं, अगर एक्स यहाँ कॉमन लेते हैं तो एक्स -15 आ जाता है, -10 कॉमन लेते हैं तो ये x -15 आ जाता है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है, एक आया x का वैल्यू 15 और दूसरा है x -10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो x का वैल्यू आया आपका 15 और 10, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ये था आपका लॉन्ग प्रोसेस, जिस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है उस तरीके से हम किया और आंसर लेके आए। कितना टाइम लगा होगा अप्रोक्स, 1.5 से 2 मिनट। देखो आप लोगों को ये भी नहीं करना है, ये प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, ये लॉन्ग प्रोसेस था। एग्जाम में क्या करना है, देखो 25 को डिवाइड करना है दो पार्ट में और दो पार्ट जो आएगा उसका रेसिप्रोकल करके अगर सम करेंगे तो 1/6 आना चाहिए। तो चलो आप लोग अब ऑप्शन लेना शुरू करो। 25 नंबर पहले बोल दिया है, मीन्स एडिशन, जो दो नंबर का एडिशन होना चाहिए वो 25 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 25। तो चलो अब सारे ऑप्शन को चेक करना शुरू करो। 20 और 18 20 30 38 गलत हो गया, मीन्स ऑप्शन में जो नंबर देगा उसका एडिशन भी 25 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर तो एक पहले ही गलती हो गया। दूसरा देखो 15 10 25 पॉसिबल हो सकता है, 20 5 25 पॉसिबल हो सकता है, 12 और 13 25 ये भी पॉसिबल हो सकता है, तीनों केस पॉसिबल हो सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि 25 को इस तरीके से दो भाग में तोड़ना है कि उसका रेसिप्रोकल का सम 1/6 होना चाहिए। तो आप लोग देख लो, 10 अगर एक संख्या 10 है और दूसरा 15 है तो रेसिप्रोकल 1/6 आना चाहिए, मीन्स 1/10 और प्लस 1/15 इसका वैल्यू 1/6 आना चाहिए। तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेते हैं 150 लेते हैं, ठीक है, तो 10 से करते हैं तो ये आता है 15 और 15 से करते हैं तो ये आता है 10, यानी 15 10 25 / 150 कितना आया, 1/6। इजिली, कितना इजिली आ गया। वैसे भी आप लोग वैल्यू देख के भी काउंट कर सकते हो, 20 और 5 में चेक करके देखो, 12 और 13 तो पॉसिबल ही नहीं है कि 1/6 का कोई टर्म आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये दो ऑप्शन आराम से चेक कर सकते हो कि किसमें आने की संभावना है। ठीक है, तो ऑप्शन से मैच करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना कोई भी क्वेश्चन का, ये नहीं कि क्वेश्चन देखे और अपना प्रोसेस बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, उस तरीके से आप लोग को नहीं करना है, माइंड को जितना कंसंट्रेट रखोगे और जितना शार्प रखोगे उतना अच्छी बात है। एग्जाम में क्वेश्चन देखो और ऑप्शन से, ये नहीं बोलती हूँ कि सारे क्वेश्चन को, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो आप लोग ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हो गया ऑप्शन नंबर 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, द डिफरेंस बिटवीन इट्स अदर टू साइड इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। देखो लॉन्ग प्रोसेस कितना बताऊं, देखो शॉर्ट कट बनाने की कोशिश करो। ट्रायंगल है आपका, वो भी राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको पता है कि ये लंब होता है, बोलते हैं ना लंब आधार, लंबाई बोलते, लंब आधार और कर्ण, यही बोलते हैं ना लंबाई आधार और कर्ण, जो भी बोलो, ठीक है, यही चीज होता है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पढ़े हम लोग, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। आई थिंक ये सब चीज सबको पता होगा, बेसिक वाला बात है, ठीक है। आप लोग एक चीज देखो, आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है कि ये 20 सेंटीमीटर है, और नेक्स्ट देखो कि द डिफरेंस बिटवीन इट्स अदर टू साइड इज 4। अगर इसको एक्स मानते हैं तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस 4, तब ना दोनों का डिफरेंस देखो तो यहाँ पे 4, अगर दोनों का एक दूसरे से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, मीन्स एक एक्स और एक एक्स प्लस 4 है, तो फाइंड करना है कि लेंथ क्या होगा। दो प्रोसेस है, या तो आप लोग कर्ण का स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, और फिर से अपना लंबा प्रोसेस शुरू कर दो, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ लंबा प्रोसेस, ठीक है। देखो हम लोग को ये प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करना, हम लोग को करना क्या है वो देखो, द डिफरेंस बिटवीन इट्स अदर टू साइड इज 4, तो आपको लेंथ मालूम करना है, मीन्स इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है, मीन्स दोनों लेंथ का बात यहाँ पे कर रहा है, मीन्स लंबाई और आधार का बात कर रहा है, यानी 16-18 लंबाई है, 20-24 लंबाई और आधार है, 12-16, 20-18, ये चार ऑप्शन, ठीक है। पहली बात है कि ऑप्शन के थ्रू आप लोग ये बताओ कि दोनों साइड का डिफरेंस होना चाहिए 4, तो ऑप्शन चेक करो कि किस में डिफरेंस 4 है, 16-2 18 डिफरेंस 2 है, यानी ये ऑप्शन गलत है, 20 और 24 का डिफरेंस 4 यानी पॉसिबिलिटी है, 12 और 16 डिफरेंस 4 है पॉसिबिलिटी है, 20-18 गलत हो गया, नॉन ऑफ दिस को तो भी छोड़, यानी ये दो ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है आंसर होने की, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक टर्म आप लोग याद रखना यहाँ पे क्या दिया है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, मीन्स इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए 20 के स्क्वायर के, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 20 का स्क्वायर के, तो आप लोग बस थोड़ा सा चेक कर लो, 20 का स्क्वायर 400, 24 का स्क्वायर 576 ऐड करो, तो कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमको 20 का स्क्वायर यानी दोनों का सम मेरा 400 का बराबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी देख लो, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256 ऐड करो, 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4, यानी 400 मीन्स 20 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में जो भी ली हो, वर्ड प्रॉब्लम ली हो, ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछ सकता है, तो लॉन्ग प्रोसेस की जाने की कोई जरूरत नहीं है, इजीली जो बन जाए वही मेथड आप लोग यूज करो, तो आंसर हो जाएगा 12-16, क्योंकि साइड का डिफरेंस भी 4 आ गया, और जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरा 20 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2000 स्क्वायर मीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 180 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ। कोई रेक्टेंगुलर आपका फील्ड गिवन है, बोल रहा है कि इसका एरिया अगर लेंथ एल है और विड्थ बी है, तो बोल सकते हैं कि एल बी इज इक्वल टू गिवन है 2000, पेरीमीटर क्या होता है तो 2 × L + B इज इक्वल टू 180 गिवन है, तो हम लोग यहाँ से एक स्टेप करके एल प्लस बी इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं, एल बी पता है, एल प्लस बी पता है, तो आप लोग एल और बी नहीं पता कर सकते हो, लॉन्ग प्रोसेस कौन यूज करेगा, डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन पे चलो, ऑप्शन चूज करो कि फाइंड द लेंथ एंड विड्थ, मीन्स यहाँ जो चार ऑप्शन दिया हुआ है वो लेंथ और विड्थ का दिया हुआ है, ठीक है, तो फाइंड करो कि लेंथ और विड्थ होगा क्या, तो चलो हम लोग अब मालूम करते हैं। पहली बात है कि L प्लस बी मेरा 90 आना चाहिए, तो सबको ऐड करो, 40-50-90 पॉसिबल है, 60-30-90 पॉसिबल है, 70-20-90 पॉसिबल है, 45-45-90,
चारों केस पॉसिबल हो गया, आप कैसे इसको अलग करें। तो एक टर्म और देखो कि आपका जो है एल बी मतलब लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आना चाहिए, 2000 आना चाहिए। तो आप चारों ऑप्शन को चेक करो कि किसमें दोनों मीन्स लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो मेरा 2000 आएगा। तो 40 × 50 = 2000, ये तो पहले ऑप्शन में आ गया मीन्स ऑप्शन नंबर ए। 60 × 30 को करेंगे 1800, 1400, 4545, पता नहीं कितना 2025 आई थी, ठीक है, वैल्यू ज्यादा जा रहा है। यानी पहला ऑप्शन देखो कितना आसानी से फाइंड किए, 40 × 50 है तो आप लोग एल प्लस बी मेरा 90 आना चाहिए, तो 40 और 50 90 के बराबर है, और एल बी 2000 आना चाहिए तो 50 × 40 = 2000, कितना इजीली आ गया ऑप्शन के थ्रू। नहीं तो आप लोग देखो एल बी पता है, एल प्लस बी पता है, फिर आप लोग नेक्स्ट करते 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 पता नहीं किस स्टेप में आपका एल और बी पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग कोई कोई क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन के थ्रू ही मैच करने की कोशिश करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आपका फंक्शन गिवन fx = 9x² + 12x + 2, और फाइंड करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डिपेंड करता है कोफिशियंट ऑफ x² मींस a। दो केस बताए हैं, a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0। एक बार यहाँ पे भी बता देते हैं, जब a इज ग्रेटर देन 0 होगा मींस a मेरा पॉजिटिव होगा, a इज लेस देन 0 मींस a नेगेटिव होगा। इस टर्म में देखो मीन टर्म क्या होगा और मैक्स टर्म क्या होगा। जब आपका a इज ग्रेटर देन 0 मीन्स a आपका पॉजिटिव होगा तो मीन टर्म क्या हो जाएगा, -d/4a, ठीक है। और अगर पूछता है कि किस पॉइंट पे होगा, एट पॉइंट, तो याद रखना x = आपका हो जाएगा -b/2a, ठीक है। और मैक्स वैल्यू क्या होगा, तो इन्फिनिटी। इसी तरीके से a इज लेस देन 0 मीन्स a अगर निगेटिव होगा तो मीन टर्म हो जाएगा उसका -∞, और मैक्स टर्म इसका हो जाएगा -d/4a। पॉइंट पूछेगा तो पॉइंट क्या बताओगे, तो एट पॉइंट x = -b/2a, ठीक है। अगर इतना चीज आपको पता है तो देखो क्वेश्चन कितना इजीली बन रहा है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx = 9x² + 12x + 2, तो कोफिशिएंट ऑफ x² मींस a यहाँ पे क्या दिख रहा है, 9, और 9 क्या है, तो ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो मैक्स वैल्यू आपका डायरेक्ट क्या बोलोगे, इन्फिनिटी, और मीन वैल्यू क्या बताओगे, मीन वैल्यू के लिए निकालोगे क्या, तो -d/4a, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से आप लोग ए बी सी निकालो तो a बराबर 9 हो गया, b = 12 और c = 2 हो गया, तो मीन टर्म मतलब मीन टर्म डी, और डी की जगह क्या बोलोगे, b² - 4ac और डिवाइडेड बाय 4a, यही चीज पढ़े थे ना, तो -b² की जगह यानी 144 और -4 × a यानी 9 और c के जगह 2 और डिवाइडेड बाय 4a, 4 × a के जगह 9, यही चीज है ना, तो -144 और -9 × 36 = 72 डिवाइडेड बाय 9 × 36। सॉल्व करोगे तो 144 में से 72 गया यानी -72 और डिवाइडेड बाय 36 यानी 36 × 72, यानी आपका मीन वैल्यू कितना आ गया, तो आपका मिनिमम वैल्यू आ गया -2 और मैक्सिमम वैल्यू आ गया इन्फिनिटी। देखो कितना इजीली आप लोगों को क्वेश्चन बन गया। चलो एक चीज और बताते हैं, आप लोग मिनिमम वैल्यू तो फाइंड कर लिए, मीन वैल्यू तो पता चल गया कि -2 होगा। अगर पूछेगा कि किस पॉइंट पे मेरा मिनिमम वैल्यू -2 आया, तो आप लोग क्या करना है, x = -b/2a करना, ठीक है। इक्वेशन क्या था मेरा, x² 9x² + 12x + 2 fx = यही इक्वेशन था ना। अगर पूछेगा कि किस इक्वेशन मतलब किस पॉइंट पे मेरा मिनिमम वैल्यू -2 आया, तो पॉइंट निकालने के लिए क्या बताया था, x = -b/2a, तो -b की जगह -12
इनटू ए की जगह हो गया 9। अब ये देखो तो 2 से 2 छक्का 12, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9 यानी -2/3। -2/3 ए वैल्यू आया तो वो क्या है, तो इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोल सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू -2/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाए या मिनिमा पूछा जाए, मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई फंक्शन दिया हुआ तो आप लोग इसी तरीके से निकालोगे। देखो आज का ये मेरा 10 क्वेश्चन था। आप लोग को वैसे भी मॉक टेस्ट 1 और 2 में वर्ड प्रॉब्लम नहीं बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से पूछा जाएगा, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आज का क्वेश्चन जो भी था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रिपीटेड था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो आप लोग अच्छे से देख लेना। और हाँ, जितना भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन बताई हूँ तो सबका ऑप्शन वाला जो भी कंसेप्ट बताई हूँ उसी तरीके से आप लोग बनाने की कोशिश करना। लॉन्ग वाला मेथड आप लोग को बता दी हूँ समझाने के लिए, ताकि ये मत बोलना कि मैम प्रोसेस किस तरीके से बनेगा, तो आप लोग को प्रोसेस के साथ ऑप्शन से भी चेक करना बता दी, तो आप लोग कोशिश करना कि ऑप्शन के थ्रू मतलब इजिली जो बन जाए उस तरीके से बनाने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आप लोग जो भी सेट से बनाते हो या जो बुक फॉलो करते हो तो आप लोग बनाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी बात है। और अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो या फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हो, वहां पे आपको सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, तब तक के लिए थैंक यू।